फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मैथ वायर। तो आज हम बात करेंगे कि जो ज्वाइनिंग लेटर होता है वो डिपार्टमेंट देता है या एसएससी देता है, और कब डिस्पैच होते हैं, कब तक ज्वाइनिंग आ सकती है, ये सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। एसएससी टीचर्स 2018 वालों के भी डीवी चल रही है, तो जिनकी हो चुकी है उनकी तो ठीक है, बढ़िया है, अच्छे से निकल गई होगी, और अगर जिनकी नहीं हुई उनका बेस्ट ऑफ लक, आप लोग करा लीजिएगा। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और उस चीज़ पे विचार किया जाएगा, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता उस पर बात कर लिया जाएगा। तो आई होप डीवी अच्छे से चल रही होगी आप लोगों की। डीवी का आप लोगों ने एक भी रिव्यू नहीं दिए हैं, बहुत कम लोगों ने बताया कि सर डीवी कैसी रही, क्या रहा। तो आप लोग प्लीज़ इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि डीवी कैसी रही, सब लोग ठीक था, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो वो चीज़ है, काल लोगों ने ही बताया, तो चलिए कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर एसएससी देता है या डिपार्टमेंट देगा। तो ये चीज़ तो आप लोगों को पता होगी कौन देता है, सीधी सी बात है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं और इतनी सारी चीज़ें तो पता ही होती हैं आदमी को। अब इस समय तो डीवी पे हैं, इस समय सीसीएसएल डीवी करा रहा है, तो डीवी के लास्ट मोमेंट पे हैं आप। तो देखिए, ज्वाइनिंग तो डिपार्टमेंट देता है, सीधी सी बात है। एसएससी का काम मेरे भाई बस एसएससी का फाइनल रिजल्ट जब निकल जाता है उसके बाद खत्म हो जाता है, उसके बाद कोई भी काम एसएससी का नहीं होता है। आप इसके बाद कोई भी क्लेम नहीं कर सकते एसएससी को कि ज्वाइनिंग में इतना लेट क्यों हो रहा है, वो डिपार्टमेंट का अपना काम है। और डिपार्टमेंट को भी क्लेम नहीं कर पाओगे, मेरे पास कहेंगे मेरे पास और भी काम है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, है ना। तो ये चीज हो जाती है। अब देखिए, एसएससी सीएचएसएल 2018 में 40 एलडीसी हैं, 3 कैग की पोस्ट है और 1 पीए की है, यानी कि पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो पद है, एक नहीं है तो 4000, एक कॉलम है, यानी कि जो पद है वो पीएसए का एक दे रखा है। तो ये हो गया। तो 40 में क्या है? कुछ अब मैं बताता हूँ, इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ कि तो कई सारे वो होते हैं डिपार्टमेंट एक बार में ही ज्वाइनिंग देते हैं, यानी कि फाइनल रिजल्ट निकला इसके बाद ज्वाइन लेटर डिस्पैच जाते हैं। कई सारी एलडीसी ऐसी हैं या कैग की पोस्ट ऐसी हैं। अब कुछ होते हैं कि एक दो बार में करेंगे, यानी कि पहले तुम्हें डिवीजनल प्रेफरेंस देंगे, फिर इसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आते हैं कि प्रेफरेंस देते हैं। मान लो पूरे क्या कहते हैं, पूरे ऑल इंडिया ऑफिसर्स हैं, उनके डिवीजन्स हैं, चंडीगढ़ डिवीजन है, साउथ में जैसे मान लीजिए आप कह सकते हैं पुणे डिवीजन है, या आप इधर जम्मू इधर चले जाते हैं क्या कहते हैं मिडिल में भोपाल डिवीजन है, और इधर क्या कहते हैं मुंबई डिवीजन है, या क्या कह सकते हैं आप कर्नाटक साइड, या क्या चेन्नई डिवीजन है। तो ये सारे अभी डिवीजन, कई सारे डिवीजन हैं, तो क्या होगा, या कोलकाता डिवीजन है, तो तब क्या होगा कि आपको डिवीजनल में प्रेफरेंस दे दी जाए मेरे भाई, कि अगर आप कोलकाता के तो कोलकाता के आसपास भर लीजिए, चेन्नई के हो तो चेन्नई के आसपास भर लीजिए, है ना। तीन टाइप के लोग हुए। पहला तो ये कि आपको बस सीधे ज्वाइनिंग देंगे, ज्वाइनिंग लेटर डिस्पैच होगा फाइनल रिजल्ट के बाद, आपको सिलेक्शन होगा, कोई प्रेफरेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, कहीं भी आपको ज्वाइनिंग दी जा सकती है आपकी बल्ले बल्ले, है ना। और दूसरे इस टाइप के कि आपको डिवीजन में प्रेफरेंस दे सकते हैं, आप चाहें तो अपना डिवीजन प्रेफरेंस दें, अगर नहीं चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, ऑल इंडिया ज्वाइनिंग चाहिए, लेकिन मोस्टली प्रेफरेंस देते हैं तो आपको घर के पास थोड़ा सा नजदीक मिल सकता है, एकदम घर के पास तो नहीं लेकिन हाँ नजदीक मिल सकता है। तो एक तो ये हो गया। डिवीजन में कई सारे स्टेट, मतलब कई सारे शहर भी आ जाते हैं, डिवीजन डिवीजन बनाई जाती है ना, साउथर्न डिवीजन, नॉर्थर्न डिवीजन, इस तरीके से। तो ये हो गया। अब एक बात मैं बता देता हूँ कि एक होते हैं जैसे मान लो पोस्ट ऑफिस वाले होते हैं, ये ऑल इंडिया हर जगह है, गांव गांव में है, तो ये क्या करते हैं, पहले स्टेट प्रेफरेंस देते हैं, फिर सिटी प्रेफरेंस देते हैं, देन ज्वाइनिंग देते हैं। तो अब ये तीन प्रकार के हो गए मेरे भाई, अब तीन प्रकार के हो गए, यानी कि पहले वालों की ज्वाइनिंग जल्दी आएगी, दूसरे वालों की उनके बाद आएगी, और तीसरे वालों की उनसे भी बाद में आएगी। तो सीधी सी बात हो गई, यहाँ पर टाइम लगेगा भाई, दो प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, और यहाँ पर सिंगल ही प्रोसेस, यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं, सीधे ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो ये चीज हो गई। डिपार्टमेंट तो क्या है, ज्वाइनिंग लेटर डिपार्टमेंट भी देगा आपका, जो भी कंसर्न जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है। तो ये चीज हो गई। अब मेरे भाई बता देता हूँ कि देखो, स्टेट प्रेफरेंस जैसे हमारे पीए होती है उसमें क्या होता है, स्टेट प्रेफरेंस आती है, फिर सिटी प्रेफरेंस आती है। अब मैं बताता हूँ डिस्पैच की बात कर देता हूँ कि कैसे पता चलता है। तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि जो भी फाइनल रिजल्ट जब आए एसएससी सीएचएसएल 2018 का, जब भी फाइनल रिजल्ट आए तो आप लोग जरूर एक ग्रुप बना लीजिएगा, जो भी जैसे मान लो आप
FHQ में सिलेक्ट हुए, FHQ का व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है जो भी बंदे सिलेक्ट हुए हैं। पोस्ट ऑफिस में PSA में सिलेक्ट हो तो PSA का ग्रुप बन जाता है। तो उसमें क्या हो जाता है कि इंफॉर्मेशन आती रहती है, किसी एक को भी पता चलती है तो वो उसमें डाल देता है, तो वो शेयर हो जाती है, ठीक है। और बाई चांस अगर कोई नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाएगा, तो वो मुझे बता देना, तो मैं उसको कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में उसको ऐड करवा दूंगा। तो इससे क्या हो जाता है, पता चलता रहता है। और लेटर डिस्पैच कब होते हैं, कब नहीं होते हैं, इसका मेरे भाई जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, स्टेट प्रेफरेंस भी आ जाएगी, सिटी प्रेफरेंस भी आ जाएगी, उसके बाद लेटर डिस्पैच होते हैं। पहले वाले केस में क्या, सीधे ज्वाइन लेटर डिस्पैच हो, दूसरे वाले में डिवीजन की प्रेफरेंस मांग के इसके बाद लेटर डिस्पैच होंगे, तीसरे वाले में आपका उसके बाद लेटर डिस्पैच होंगे, जब स्टेट प्रेफरेंस आएगी, सिटी प्रेफरेंस, उसके बाद लेटर डिस्पैच होते हैं। सिटी प्रेफरेंस में आ गए, आपको पता चल गया कि आपको लखनऊ या दिल्ली, दिल्ली मिल गया, मान लीजिए दिल्ली में कोई भी जगह है, या आनंद विहार है, कहीं भी है, मान लीजिए नई दिल्ली है, वहां पर आपको मिल गया। तो इसके बाद क्या होगा, आप जब ग्रुप्स में ऐड होंगे तो क्या होगा, आपको पता चलेगा कि यार लेटर डिस्पैच हो रहे हैं, और इसके बाद उनकी वेबसाइट पर लिखा रहता है। और बाकी कांटेक्ट करते रहिएगा, फोन नंबर क्या होता है, फोन नंबर होते हैं सिटी प्रेफरेंस मिली, इसके बाद जो भी कैंडिडेट्स हैं वो फोन करते रहते हैं, रिगार्ड जो भी कंसर्न आपका डिपार्टमेंट जो सिटी प्रेफरेंस में मिला है आपको, कानपुर का मिला है कानपुर का, दिल्ली का मिला है दिल्ली का, या लखनऊ का मिला है लखनऊ का, चंडीगढ़ का मिला है तो चंडीगढ़ का, जो कंसर्न ऑफिस है पोस्ट ऑफिस का, या हेडक्वार्टर है या रीजनल ऑफिस है, वहां पर आप बताइए कि सर सर ये SSC 2018 की ज्वाइनिंग का प्रोसेस है, सर इसका लेटर कब तक डिस्पैच होगा। तो वो आप हर 2 दिन 1 दिन में फोन करेंगे और दबाव थोड़ा प्रेशर डालते हैं, तो वो जल्दी काम करते हैं, करते तो मेरे भाई वैसे ही है, मैं रह चुका हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोचते होंगे ज्यादा फोन करो तो ज्यादा जल्दी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो अपने हिसाब से करते हैं, जब चाहेंगे तभी आएगी ज्वाइनिंग, है ना। तो ये बात हो गई, तो आप फोन करके पूछे तो वो बता देते हैं कि यहां से लेटर डिस्पैच हो चुके हैं, और जो ट्रैकिंग नंबर है वो नहीं बताते हैं वो लोग। अगर किसी एक का पता चल जाता है तो उसके बिहाफ पर सारे पता चल जाते हैं, क्योंकि एक ही कोडिंग पे आगे पीछे कर लेते हैं ना, जैसे ट्रैक नंबर होता है RP करके, RP 10 940 50, पीछे के 8 अंक होते हैं, 3 होते हैं, तो वो होता है ना ट्रैकिंग नंबर होता है, तो आगे पीछे करके सारे निकाल लेते हैं, तो वो तो पता चल जाता है डिस्पैच हो चुके हैं। अब डिस्पैच भी PSA की बात कर लेता हूं, तो डिस्पैच में एकदम से ज्वाइन लेटर नहीं आता है, अटेस्टेशन फॉर्म आता है, अटेस्टेशन फॉर्म भर के ले जाएंगे, फिर DV होगी, समझ रहे ना, ज्वाइन लेटर नहीं आता, वो होता है एक तरीके से ज्वाइन लेटर ही है, लेकिन वो क्या होता है, अटेस्टेशन फॉर्म होता है। कोई भी डिपार्टमेंट, आप किसी भी डिपार्टमेंट जाएंगे सबसे पहले आपको अटेस्टेशन फॉर्म भेजा जाएगा, वो आप भरेंगे, भरेंगे यानी आप पूरी डिटेल देंगे, अपनी नाम, एड्रेस, पिताजी का नाम, भाई बहनों का, मतलब पूरी फुल डिटेल होती है, आप इससे पहले कहीं रहे हो, कोई केस तो नहीं है, सारी डिटेल अटेस्टेशन फॉर्म में। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोई भी ऐसा राजपत्रित अधिकारी या गजेटेड ऑफिसर होते हैं, उनसे स्टैम्प लगवा के फिर आप आएंगे, जब आएंगे जमा करने आएंगे तब डिपार्टमेंटल डीवी होती है, डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं, इसके बाद जब आप फाइनलाइज हो जाते हैं, ओके हो जाते हैं एकदम बिल्कुल, देन आपको ज्वाइन लेटर भेजा जाता है कि सर आपको इस दिन बुलाया जाएगा, आपकी ट्रेनिंग चालू होने वाली है। जैसे ही आपको बुलाया जाएगा, मान लीजिए आपको कह दिया जाएगा कि 1 फरवरी 2022 से आपको बुलाया जाएगा, आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी, तो बस उसी दिन से आपकी ट्रेनिंग चालू और नौकरी भी चालू हो जाएगी, उसी दिन से सैलरी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी मेरे भाई, सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से मैंने बता दी आप सभी को। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय, टेक केयर।